पटना का मरीन ड्राइव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव का है, जहां बातचीत करने आए पार्षद पति नीलेश मुखिया के साथ मारपीट की गई। वहीं जय बिहार रेस्टोरेंट के फाउंडर द्वारा जलता हुआ सिलेंडर स्थानीय दुकानदार पर फेंक दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति आग से बुरी तरह झुलस गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए PMCH भेजा गया। युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दरअसल 24 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के गंगा घाट पर मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया गया था। आज शनिवार की शाम पटना के मरीन ड्राइव पर दुकानदारों का वर्चस्व कायम है। शनिवार को पटना के दीघा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां दो दुकानदार आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गई। फिलहाल घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जय बिहार का दुकान था, हाँ, हमने वहाँ पर जगह खाली था तो एक काउंटर रखे थे। अच्छा, उस काउंटर के दौरान कल हम सुबह में रखे थे तो वो शाम में हटा दिया गया। हाँ। और एक स्टेशन का उसका कोई कंसल्ट में दुकानदार है। हाँ। वो पैसा लेके उससे मतलब दुकान लगवाया। हाँ। और एक नहीं, कम से कम 6 दुकान उसका लगवाया, सबका पैसा लेता 6,000 रुपया। अच्छा। मंथली हमने वहाँ पर लगाया अपना काउंटर, उस काउंटर को हटा दिया गया और वो उसका काउंटर लगवा दिया गया, उससे पैसा दिया गया है, पैसा लेता है वहाँ से। और वहाँ पर हम जब बोलने गए कि हमको लगाने दीजिए, तो बोला कि हम ई गोप हैं, वो गोप को चिंते थाना को मैनेज किए हुए हैं। हाँ। थाना को बोला के लिया जय बिहार वाले। हाँ, जय बिहार वाला, उसका नाम है, बताते हैं। अच्छा, क्या फिर घटना क्या हुई थी, बताइए ना। घटना यही हुआ था कि हम लोग जैसे मुखिया जी को कंप्लेन किए तो मुखिया जी बोले कि ठीक है लगाओ, तो उनको मुखिया जी थाना प्रभारी को बोले। हाँ। कि देखिए ऐसा ऐसा बात है तो आप कॉपरेट कीजिए, तो कॉपरेट वो नहीं कर पाया, वो बोल रहा है कि तुम जिसको बुलाना है बुला के लिया, वो नहीं लगेगा। वो भी थोड़ा पहुँच वाला था और क्या बोलते हैं, बहुत गुंडा ये सब था उसके साथ, और पहले से 25 आदमी बुला के रखा हुआ था। कल हम आए थे तो उनको टाइम दिए थे, मुखिया जी बोले कि हम 4 बजे आएंगे, तो यहाँ से गए 6 बजे। वो पहले से हम लोग बैठे हुए थे, 2 लड़का थे, मुखिया जी 4 आदमी के साथ आए, उनसे बैठे बाती बाती हो रहा था, बोले ना कि ये तुम्हारा दिखाया हुआ नहीं ना है, सरकारी जमीन तुम्हारा तो अपना नहीं है। तो यही पर वो गाड़ी पक दिया मुखिया जी को। हाँ, गाड़ी पक दिया और हाथ से टेल दिया और उसको मतलब मारा भी मुखिया जी को, और दो तीन थी वहीं का मतलब आस पास का था, उसका सिर फटा हुआ है, उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये लड़का कौन है, जो घायल कौन है, कैसे गए घायल? घूमने गया था, ये उन लोग सोचा ना कि इसके साथ में है और ये उस पे हमला कर दिया। कैसे हमला किया था, क्या चीज से फेंका था? हमला किया, वो क्या बोलते हैं, जो खाना बनाता है ना कुकिंग, पहले उसको रड से मार के इसको गिराया, फिर उस पर सिलेंडर फेंक दिया, चूल्हा फेंक दिया दोनों साथ। और बहुत सारा का घटना हुआ, हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, और हमारे मुखिया जी के साथ में भी जो आदमी रहते उनका भी मतलब थोड़ा बहुत चोट आया हुआ शरीर में। आपके तरफ से भी कई लोग घायल हैं? हाँ, कम से कम 5 से 6 आदमी, उसके वजह से एक आदमी घायल हो रहा है, लेकिन वो दौड़ने में गिर गया, वो दौड़ने भाग रहा था जब हम लोग को मार के, हम लोग आदमी ज़्यादा नहीं थे, वो सब 25-30 आदमी था, हम लोग मुखिया जी के साथ सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से वो मतलब पीछे से डंडा निकाला और सामान। क्या का काउंटर लगा रहे थे आप? आपका काउंटर क्या था, लस्सी का? हाँ, लस्सी का काउंटर था, अभी लगा ही रहे थे तो वो घटना किया। हम कुछ नहीं उसे बोले, हम बोले भैया आपसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना दुकान लगाइए, लेकिन वो दुकान ना लगा के वो वहाँ पर बगल में उसका सपोर्ट कर रहा था उसका। अब क्या बात है वो मैं समझा, यही समझाने गया था कि मुखिया जी यही बोलने गया था कि यहाँ पर तुम्हारा दिखाया हुआ नहीं। क्या घटना घटी थी मरीन ड्राइव पे? दो पक्षों में ठेला लगाने के लिए झगड़ा किया था, यहाँ ठेला लगाने पार्टी ले रही है, मेरा ठेला यहाँ पर लेके आपस में दोनों पक्ष झगड़ा किया, चोट लगी है अलगी, दोनों पक्षों में चोट लगे, जैसा आवेदन देता है उसकी आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस चौकी पे भी पत्थरबाजी की? नहीं, पुलिस चौकी पत्थरबाजी नहीं की गई है, जो वहाँ से ये एक लड़का जो भाग के आ रहा था, हमने पूछा है दर्ज किया, वहाँ से जो लड़का भाग के आ रहा था उसको पत्थर मार रहा था, जान बचा कर भाग रहा था, उसे पत्थर मारा तो लोग लग गया, कई लोग घायल भी हैं। हाँ, कुछ घायल हैं, इलाज कराया गया है, वो लोग जा गया, इलाज करा के लिखित एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस पर FIR करके कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।